was wrong. स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीसी यूनिवर्स की तरफ से रिलीज किया गया एक टीवी शो जिसका नाम है टाइटंस। इस वीडियो में हम इस सीरीज के पहले सीजन के पहले एपिसोड को देखने वाले हैं जो कि बेसिकली कुछ सुपर हीरोज पर बेस्ड है। यदि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बाकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में ही हमें इसके एक मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रिचल होता है, जो कि एक सर्कस की तरफ आगे बढ़ती जा रही होती है। सर्कस के अंदर पहुंचने पर अचानक वहां की लाइट जलती है और फिर हम वहां पर ग्रेशन फैमिली को देख पाते हैं जो कि उस सर्कस में स्टंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी रिचल देखती है कि ग्रेशन फैमिली जिस रस्सी से स्टंट परफॉर्म कर रहे थे वो रस्सी अचानक टूट जाती है जिससे डिक ग्रेशन के पेरेंट्स नीचे गिरने लगते हैं। और तभी रिचल की आंखें खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर उसकी माँ भागकर उसके पास आती है। रिचल अपनी माँ से कहती है कि फिर से उसने वही सपना देखा जो बार बार देखती आ रही थी। ये सुनकर उसकी माँ उसे शांत करवाती है और उससे कहती है कि ये बस एक सपना था। फिर वो रिचल को सुलाकर उस कमरे से जाने लगती है। तभी रिचल बोलती है कि दरवाजे को बाहर से बंद रखना। और फिर जब हमें दरवाजे को दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं और तभी उसमें से एक क्रॉस अचानक नीचे गिर जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें इस स्टोरी के दूसरे मेन कैरेक्टर डिक ग्रेशन यानी रॉबिन को दिखाया जाता है। डिक ग्रेशन वही होता है जिसके पेरेंट्स को रिचल के सपने में दिखाया गया था और उस सपने में डिक ग्रेशन एक बच्चा था। इधर डिक ग्रेशन यानी रॉबिन अपने कार में बैठे कुछ फाइल्स को देख रहा होता है जिसमें सबूत के तौर पर एक घायल लड़की की तस्वीर होती है। इसे देखने के बाद वो अपनी नजरों को पिछली सीट पर रखे एक सीक्रेट ब्रीफकेस पर डालता है, पर उस ब्रीफकेस में क्या होता है हमें ये उस वक्त दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद डिक ग्रेशन यानी रॉबिन अपने ऑफिस पहुंचता है जहां हमें ये पता चलता है कि असल में डिक ग्रेशन एक डिटेक्टिव होता है। ऑफिस में इसकी मुलाकात इसके साथ काम करने वाले एक नई पार्टनर एमी से होता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। तभी एक ऑफिसर एमी को ये बताता है कि डिक ग्रेशन के काम करने का तरीका ऐसा ही है और उसके पार्टनरों के साथ उसकी कभी नहीं जमती। इसके बाद हमें रिचल का घर दिखाया जाता है जहां उसकी माँ हमेशा की तरह उठकर कुछ दवाइयां लेती है। तभी हमें उसके बॉडी में कुछ नाखून के निशान को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अजीब तरह का होता है। यहाँ हम इन सभी चीजों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिचल के घर में शायद कोई अजीबोगरीब घटना हो रही है जिसकी वजह से ये लोग इतने परेशान और डरे हुए हैं। इसके बाद हमें रिचल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाने के पहले अपना नाश्ता कर रही होती है। तभी इसकी माँ वहाँ पहुँचती है और उससे कहती है कि मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ इसलिए तुम्हें अपने स्कूल बस से जाना पड़ेगा। इसके बाद रिचल अपनी माँ से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे डर लगता है, जिस पर रिचल की माँ बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो अपने बेटी से नहीं डरती। फिर रिचल कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि मुझे सभी चीजें एहसास हो जाती है। और तभी हम डाइनिंग टेबल के शीशे में रिचल के अंदर छुपा एक डार्क शैडो वाली फेस को देखते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे प्रे करने के लिए बोलती है, पर यहाँ पर रिचल सच जानना चाहती थी कि आखिर में उसके साथ क्या हुआ था, पर उसकी माँ उसे बिना कुछ बताए उसे प्रे करने के लिए बोलती है। पर तभी हमें रिचल की एक अजीबो गरीब रूप देखने को मिलता है जिससे उसकी माँ काफी डर जाती है। इसके बाद रिचल वहाँ से निकलकर सीधे अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल से वापस लौटने के बाद रिचल जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ को एक आदमी ने बंदी बना रखा है जो चाहता था कि रिचल उसके साथ चले, जिस पर रिचल उसे अपने माँ को छोड़ने के लिए कहती है। पर वो आदमी उसे बताता है कि जिसे तुम अपनी माँ समझ रही हो असल में वो तुम्हारी माँ नहीं है। फिर रिचल की माँ भी उसकी बातों में हामी भरती है पर उसे ये भी बताती है कि फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती है। ये बातें बोलते ही वो आदमी रिचल की माँ को गोली मार देता है। ये देखकर रिचल बेकाबू हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी अचानक उसके अंदर से एक परछाई बाहर आती है और वो उस आदमी को दूर फेंक देता है। मौका देखते ही रिचल वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम दोबारा डिक ग्रेशन को देखते हैं जिसके हाथों में उसी लड़की की फाइल होती है जो कि हमने इसे पहले भी देखा था। उस लड़की की फोटो के साथ उसमें एक क्रिमिनल की भी फोटो होती है जिसने उस लड़की को शायद बहुत ही मारा होगा। इसके बाद डिक ग्रेशन दोबारा उस सीक्रेट ब्रीफकेस को देखता है और फाइनली उसे अपने फिंगरप्रिंट से खोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर कुछ क्रिमिनल्स आपस में ड्रग्स का सौदा कर रहे होते हैं। तभी डिक ग्रेशन वहां रॉबिन बनकर पहुंचता है। यदि मैं रॉबिन की बात करूं तो आपने इसे बैटमैन सीरीज में देखा होगा। दरअसल रॉबिन को सारी ट्रेनिंग बैटमैन ने ही दिया था और क्राइम को रोकने में बैटमैन उसे हमेशा अपने साथ रखता था और उसी समय से डिक ग्रेशन को रॉबिन कहा जाने लगा।
वहाँ रॉबिन को देखकर सारे क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि शायद बैटमैन भी वहाँ आया है, इसलिए सभी लोग बैटमैन को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं। पर तभी रॉबिन अकेले ही उन सभी क्रिमिनल्स को अपने मार्शल आर्ट स्किल्स यूज करके एक एक करके बुरी तरह से मारने लगता है और फिर वो बैटमैन को गालियां देते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि टीवी स्क्रीन पर उसके पिछले रात वाली फाइट की वीडियो फुटेज चल रही होती है और सभी ऑफिसर्स रॉबिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि रॉबिन का बहुत सालों बाद कमबैक हुआ था। दूसरी तरफ हमें रिचल को दिखाया जाता है जो अब वो अपने घर से भागकर डेट्रॉइट सिटी पहुंच गई थी जहां पर डिग्रेशन काम करता था, जहां रिचल को एक औरत मिलती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को यहां अकेले घूमना नहीं चाहिए। फिर वो औरत रिचल को एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगती है जहाँ पर रिचल रह सके। उसी दौरान रिचल एक खिड़की के शीशे में अपने अंदर एक डार्क शैडो को देखती है जो उससे कहता है कि वो औरत तुमसे झूठ बोल रही है और तुम्हें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। फिर मौका देकर रिचल वहाँ से भागने लगती है। वहीं पर उसे एक पुलिस की कार दिखती है, फिर वो कार के ऊपर एक पत्थर मारकर अपने आप को पुलिस से गिरफ्तार करवा लेती है और वहाँ से वो सीधे डेट्रॉइट सिटी के पुलिस स्टेशन पहुँचती है जहाँ पर रिचल की मुलाकात डिग्रेशन से होती है। रिचल डिग्रेशन को देखकर हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे सपने में हमेशा एक सर्कस के दौरान दिखाई देते हो जहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी होते हैं, और वहीं पर रिचल उससे मदद भी मांगती है। ये सब सुनकर डिग्रेशन को काफी बड़ा झटका लगता है। तभी दूसरे सीन में हमें इस स्टोरी के तीसरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिएंडर्स यानी स्टार फायर होता है, जहाँ पर वो एक एक्सीडेंट हुए गाड़ी में बेहोशी की हालत में होती है। तभी वो होश में आती है और अपने बगल में देखती है कि ड्राइवर सीट पर एक आदमी मरा हुआ है। फिर वो याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तभी उसे अपनी तरफ एक गाड़ी आता हुआ दिखाई देता है जो अचानक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। कोरिएंडर्स को कुछ समझ में नहीं आता और वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद उसे अपने पास से एक चाबी मिलती है जिसे वो पहचानने की कोशिश करती है पर वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये चाबी किस चीज की है। उसे अपने पास से एक पासपोर्ट और एक होटल की तस्वीर भी मिलती है। पासपोर्ट पर उसका नाम कोरिएंडर्स लिखा होता है। थोड़ी देर बाद कोरिएंडर्स उस होटल की तस्वीर की मदद से उसे ढूंढते हुए उसी होटल में पहुंच जाती है जहां पर रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान लेती है क्योंकि कोरिएंडर्स शायद पहले भी यहां आ चुकी थी। फिर उस रिसेप्शनिस्ट के जरिए उसे पता चलता है कि उसका रूम ऊपरी मंजिल पर है। रूम में पहुंचने के बाद वो देखती है कि एक आदमी कवर्ड में बंधा हुआ था जो उसे देखकर काफी डर जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। फिर वो कहता है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रही हो उसे मैं तुम्हारे पास ला सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोरिएंडर्स अपने बारे में सारी चीजें भूल चुकी थी, इसलिए वो उस आदमी से अपने बारे में पूछती है जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं असल में नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तभी कोरिएंडर्स उसे अपने पास मिले एक फोन को दिखाते हुए एक आदमी के बारे में पूछती है जिस पर वो आदमी सच बताते हुए कहता है कि ये आदमी तुम्हें अपने क्लब में मिलेगा। और इतने में ही वो अपने हाथों को किसी तरह से खोल लेता है और फिर वो कोरिएंडर्स पर अटैक कर देता है, पर कोरिएंडर्स अपना स्किल यूज करके उसे आसानी से मार देती है, पर वो अपने इस ताकत को देखकर खुद हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हमें डिग्रेशन और रिचल को दोबारा साथ दिखाया जाता है जहाँ पर रिचल अभी भी उससे मदद मांग रही थी। वो उसे कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकता है क्योंकि किसी शख्स ने उसकी माँ को मार दिया है और वो अब इस दुनिया में अकेली हो गई है। इस पर डिग्रेशन रिचल से उसका नाम और घर का पता मांगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी रिचल के अंदर से वो काली परछाई बाहर आती है और वो डिग्रेशन के हाथों को छूता है जिससे डिग्रेशन अपने पास्ट के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वह दिखाया जाता है कि डिग्रेशन के माता पिता के मरने के बाद उसे सहारा ब्रूस वेन यानी बैटमैन ने दिया था। इसके बाद डिग्रेशन वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी रिचल बोलती है कि प्लीज मुझे एक कमरे में बंद कर दो क्योंकि मैं सभी के लिए खतरा हो सकती हूँ, क्योंकि रिचल का ऐसा मानना था कि उसके अंदर एक अजीब सी चीज छुपी हुई है जो एक इवल की तरह है। पर डिग्रेशन को कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो फोन पर एक ऑफिसर को रिचल के घर के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है ताकि वो जान सके कि क्या सच में रिचल की माँ मर चुकी है या फिर वो झूठ बोल रही है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रिचल को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए लेने आता है और रिचल को वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसी दौरान रिचल शीशे में अपनी इवेल वाले फेस को देखती है जो उसे कहता है कि मुझे अभी उसे मारने दो, पर तभी वो पुलिस की भेस में वो आदमी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। लेकिन डिग्रेशन उसे कार में ले जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोरिएंडर्स उस फोन वाले आदमी को ढूंढते हुए उसके क्लब में पहुंच जाती है। वो उस आदमी को इसलिए ढूंढना चाहती थी ताकि वो पता लगा सके कि असल में वो किस मिशन पर निकली है। क्लब में पहुंचने के बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पर तुमने बस एक लड़की के लिए मुझे धोखा दे दिया, और इतना कहते ही वो कोरिएंडर्स पर गोली चला देता है। पर तभी हमें वहाँ कोरिएंडर्स की पावर को दिखाया जाता है
जो कि अब स्टार फायर बन चुकी थी। फिर वो अपनी ताकत से कमरे में मौजूद सभी लोगों को जलाकर मार देती है। फिर उसे उस कमरे में रिचल की एक तस्वीर मिलती है, पर अभी भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, इसलिए वो समझ नहीं पाती है कि असल में वो कौन है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद दूसरे सीन में हमें रिचल को एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शख्स उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, क्योंकि तुम सभी लोगों के लिए खतरा बन सकती हो, और वो खतरा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपा बैठा वो शैतान है जो बाहर आकर सभी को मारना चाहता है, पर वो ऐसा होने नहीं देगा। और फिर वो शख्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय डिग्रेशन उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो उस रूम में पहुंच पाता, रिचल के बॉडी से वो इवल बाहर आता है और अचानक ही उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो इवल उस शख्स के बॉडी के अंदर घुसकर उसे मार देता है, और उसे मारकर वो इवल दोबारा रिचल के बॉडी में वापिस आ जाता है। डिग्रेशन जब उस कमरे में पहुँचता है तो पाता है कि एक आदमी मरा पड़ा है और रिचल कुर्सी से बंधी हुई है। फिर डिग्रेशन रिचल से पूछता है कि असल में यहाँ क्या हुआ था, जिस पर रिचल कहती है कि उसे नहीं पता, और वो इतना कहकर रोने लगती है। ये देखकर डिग्रेशन रिचल को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें एक मॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रीन कलर का टाइगर कुछ गेम की सीडीज को चुरा कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे डर कर उस पर गोलियाँ चलाता है, पर इतने में ही वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है, और वहाँ से निकलने के बाद वो टाइगर एक शख्स में बदल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।